पश्चिमी उत्तराखंड रुद्रप्रयाग के स्थान पर एक ऐसा मंदिर है जहां की मान्यता है कि भगवान शिव और पार्वती ने शादी की थी। जी हां, उस स्थान पर भगवान विष्णु और लक्ष्मी का मंदिर है और इस मंदिर को लोग त्रियोगी नारायण मंदिर के नाम से भी जानते हैं। और मंदिर के बारे में लोगों का ये कहना है कि इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती जी का अनोखा नाता है। इस मंदिर में भगवान शिव और पार्वती ने विवाह किया था और इस बात का सबूत यहाँ आज भी मौजूद है। जी हाँ, कहा जाता है कि इस मंदिर में एक ऐसा कुंड है जो कि हमेशा जलता रहता है और उस कुंड में प्रसाद के रूप में लकड़ी चढ़ाई जाती है। लोगों की मान्यता है कि इस कुंड के पास भगवान शिव ने शादी के समय फेरे लिए थे। साथ ही इस मंदिर में एक पानी का कुंड भी है जहाँ पर भगवान शिव ने पहले स्नान किया था, उसके बाद शादी के लिए गए थे। उस कुंड को ब्रह्म कुंड भी कहते हैं और आज के समय में लोग उस ब्रह्म कुंड में लोग पहले स्नान करते हैं फिर उस मंदिर में जाते हैं। साथ ही आपको बता दें कि इस मंदिर के अंदर एक स्तंभ भी है जिसके बारे में कहा जाता है कि इस स्तंभ में भगवान शिव ने अपनी गाय को बांधा था। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से प्रियंका राज की रिपोर्ट।